नापा भवानीगढ़ रोड से स्थित यह इतिहासिक स्थान नौवे पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी की चरण छो प्राप्त स्थान से स्थित है। इतिहासकारा अनुसार 1666 ईस्वी दसवें अवतार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म तो बाद पहली यात्रा दौरान श्री पटना साहिब जाते हुए नौवे पातशाह इस स्थान पर खेतों में लगे एक निम के थले विश्राम लिए रुक गए। दीवान टोडर मल ने संस्कार तो बाद माता गुजर कौर, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दिया महान अस्थियां समोवित कीतियां सन, जिथे गुरुद्वारा मंजी साहिब आलो अर्क स्थापित हैं, जिथे हर पूर्णमाशी और पोह के महीने लखा संगतां नतमस्तक हुंदियां हन। जिहड़े नौजवान सेवा करते हैं ये तन मन धन नाल बहुत वधिया ढंग नाल सेवा करते हैं। साढ़े पिंड के नौजवान जी पोस्टरां दी सेवा, फलैक्सां लगाउणियां, लंगर की सेवा जी, बाकी नगर कीर्तन दे विच भोग वरताउणा, मतलब कि हरेक तरह की सेवा साढ़े पिंड के नौजवान पूरे दिल तन मन धन नाल रल के बहुत वधिया ढंग नाल सेवा करते हैं। तो सानू बहुत ज़्यादा खुशी होंदी है भी साढ़े पिंड की शोभा होंदी है, पिंड आलो वर्क गुरुद्वारा मंजी साहब साढ़े गुरु घर का नाम भी बहुत वधिया अक्षरों के लिखा जा रहा है, भी इत्थे हर साल फतेहगढ़ साहब तो जो नगर कीर्तन आउंदा है ये सानू बहुत ज़्यादा आनंद आउंदा जी, बहुत ज़्यादा खुशी होंदी है सानू जी। नौवें पातशाह जी ने पहला चरण पाए ने, नौवें पातशाह जी जदों निम के थले आ करके बैठे, जदों पहली यात्रा नौवें पातशाह जी गए ने, जदों पटना साहब गए ने ना, अगले साल 1666 के दसवें पातशाह का अवतार होया, वो पहली यात्रा सी। वो यात्रा के दौरान नौवें पातशाह जी नाल माता गुजर कौर जी और माता नानकी जी 300 संगत होर बाबी जत्था बहुत सारिया संगत सी, उन्होंने आ करके इतने डेरे लाए। जदों ये निम से जड़ा निम के थले बैठे तो दीवान टोडर मल नूं पता लग्या भी मेरे खेत दे विच कोई महापुरश आ के बैठे ने। नापा तो दीपक बांगा दी रिपोर्ट, चैनल 2।